जरा 2 मिनट रुकते हैं। जी जना। अभी और कितना दूर है तुम्हारा गांव? ज्यादा दूर नहीं है जनाब, बस सीधा ही जाना है। ऊपर से जब तुमने दिखाया था तो कितना पास लग रहा था बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहाड़ों पे दिन की रोशनी में सब पास ही लगता है जनाब। मैं इसलिए कह रहा था कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं जनाब, सब ठीक है। आपको ना मेरी बीवी की बात माननी नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है ना? कुछ नहीं हुआ है बच्चे को, वो छोटा है ना जनाब, तो सर्दी में नजला जुकाम तो लगा ही रहता है। लेकिन तुम्हारी बीवी कह रही थी ना कि उसकी तो आदत है बाद में बतंगड़ बनाने की। पर उसको भी क्या बोलूं, हर माँ को फिक्र होती है अपने बच्चे की। जिगरा छीके ना तो भी घर में तूफान आ जाता है। समझ सकता हूँ। मैं भी समझता हूँ जनाब, पर जीना हराम हो जाता है। घर में रहो तो रोटी खिला ले और काम पर निकलो तो हल्ला मच जाता है। जिगरा की तबीयत खराब है, घर आ जाओ, किसी डॉक्टर को ले आओ। अब कैसे समझाए कोई औरतों को, काम काम होता है उसमें वक्त लगता है। एक तो यहाँ काम मिलता भी नहीं आसानी से कश्मीर में। आपने तो देखा ना जनाब, यहाँ से शहर का रास्ता कितना दूर है। 2.5 घंटे से ऊपर लग गया मैं यहाँ पहुँचने में। वाकई बहुत दूर है ये जगह। जहाँ ऊपर हमने टैक्सी खड़ी की थी ना, वहाँ सुबह 7 बजे आर्मी की सप्लाई का टनक आ जाता है। जैसे तैसे तो मिन्नत करके मैं श्रीनगर पहुँचा। एक तो मौसम भी नहीं है टूरिस्ट का, ऊपर से खुदा की मार आज ही बम फटना था लाल चौक। पता नहीं जनाब आप कैसे मिल गए मुझे। हम लोग एक सेमिनार के लिए आए थे। किसके यहाँ आए थे? किसी के यहाँ नहीं, हम लोग एक मेडिकल मीट के लिए आए थे। अच्छा, मीट खाने आए थे कश्मीर? नहीं, मीट खाने नहीं, तुम यूँ समझो कि हाँ एक मेला लगता है डॉक्टरों का, बस उसी में आए थे। हमारे कश्मीर में डॉक्टरों का मेला लगता है? हाँ मेला ही कहेंगे, साल में एक बार किसी खूबसूरत जगह इकट्ठे होते हैं और बैठकर बदसूरत बीमारियों की चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? इट्स अ रिसर्च थिंग, बेसिकली टू फाइंड द रेमेडीज ऑफ द, माने सारी बीमारियों का इलाज ढूंढने के। अच्छा अच्छा जनाब, आप तो खुदा के बंदे का काम करते हो। हाँ बस, तो लाल चौक पे बम फटा और सेमिनार कैंसिल हो गया। सुनने में आया कि कर्फ्यू लगने वाला है। मैंने सोचा अगर कर्फ्यू लगा तो सारा दिन होटल के कमरे में बंद रहना पड़ेगा, तो बस यूं ही डल लेक के किनारे टहलने निकला था और मैं आपके पीछे पड़ गया। हाँ, और तुम मुझे मिल गए। जनाब मुझे मालूम है, आपको तो कोई घूमना घूमना नहीं था, वो तो मेरी हालत देख कर आप पर रहम आ गया। नहीं नहीं, तुमने अच्छे से घुमाया मुझे श्रीनगर। अच्छे से कहाँ घुमा पाया मैं आपको, सुबह से तो फोन बजने चालू हो गए इसके। मेरी तो ना किस्मत ही खराब है जनाब, आप जब चश्मे शाही में फोटो खींच रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो 2 मिनट बात कर लेता हूँ नफीसा से, कि पता नहीं जनाब आप कब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और हमारी सारी बातें सुन ली। तो अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, अब मैं चल रहा हूँ तुम्हारे बच्चे के इलाज। अरे जनाब कुछ नहीं हुआ है बच्चे को। अरे भाई तुम पेशे से डॉक्टर हो क्या? नहीं ना। देखो गुलाम, मैं मानता हूँ तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा, पर एक डॉक्टर के देखने से ये बात पक्की हो जाएगी कि बच्चे को वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं नफीसा को है। क्या? अरे वो होती है ना प्रॉब्लम औरतों को बेवजह फिक्र करने की, आप समझ रहे हैं ना जनाब? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। जनाब आप अंधेरे में फोटो खींच रहे हैं? नहीं नहीं, फोटो नहीं खींच रहा हूँ, नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तो नहीं आता टावर पूरे इलाके में? अगर पूरे इलाके में टावर नहीं आता तो तुम्हारी बीवी का मोबाइल कैसे चल रहा था? वो अरे वो तो DSNL है जनाब, सरकारी। हमारे कश्मीर में सिर्फ सरकारी चीजें ही चलती है। तो तुम्हारा फोन तो DSNL है ना? जी जनाब। तो दो। अरे जनाब इसका बैटरी मर गया है। आज मौसम बहुत खराब है, अच्छा होता अगर आप ना ही आते। कमाल है। क्या हुआ जनाब? इतने सुनसान बियाबान में तुम्हारा गांव,
जाने को सड़क नहीं है पर लाइट है। लाइट तो है, वैसे सड़कें भी हैं पर कच्ची है, तो जब बर्फ पड़ती है तो बंद हो जाती है 5 महीने। तो इन 5 महीने तो बहुत दिक्कत होती होगी गांव वालों को। हाँ दिक्कत होती होगी, अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं ना जनाब। 3 साल पहले यहाँ हमला हुआ था तो आर्मी वालों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे, बोले कि एक तो यहाँ प्रॉपर रोड नहीं है, ऊपर से 3-4 घरों के लिए पुलिस चौकी बनाना मुश्किल है। नीचे संगम कुंड है ना, वहाँ एक बड़ी पुलिस चौकी, वहाँ बड़ी हिफाजत मिलेगी, तो सब लोग अपना घर छोड़कर संगम कुंड चले गए। एक सेकेंड, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जिस गांव में तुम मुझे लेके जा रहे हो वहां और कोई नहीं रहता? नहीं जनाब, ऐसे मैंने कब कहा, मैं रहता हूँ, मेरी बीवी रहती है, हमारा बच्चा रहता है। तुम और तुम्हारी फैमिली को छोड़कर और कोई नहीं रहता पूरे गांव में? नहीं जनाब, अब तो और कोई नहीं। क्या बात कर रहे हो, वो देखो, वो जो दूर घरों में लाइट जल रही है वो तुम्हारा ही गाँव है ना? हाँ जनाब, वो हमारे गाँव के। तो अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा पूरे गाँव में और कोई नहीं रहता तो ये बाकी घरों में रोशनी कैसे चल रही है? अरे वो बाकी घरों की रोशनी। हाँ अरे जनाब, वो तो हम जलाते हैं। तुम खाली घरों में रोशनी जलाते हो? जी जनाब। पर ऐसा क्यों करते हो? इससे ऐसा नहीं लगता ना जनाब कि हम अकेले हैं, अब लोग तो घर छोड़कर भाग गए तो किसी को तो देखभाल करनी पड़ेगी ना घरों की, तो हम क्या करते हैं, रोशनी जलाते हैं, सफाई करते हैं और चूल्हा जला देते हैं। हमारे कश्मीर में कहावत है जनाब, अगर घर में रोशनी ना जले और चूल्हा ना जले ना, मर जाता है। मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था। आजकल सोचता कौन है जनाब, सबको तो अपनी अपनी पड़ी होती है। देखिए बुजुर्ग लोगों को, हमले के डर से घर छोड़कर भाग गए। तो गुलाब, ये हमले का डर तो अभी भी होगा ना गांव में? हाँ जनाब। तो अगर सब लोग गांव छोड़कर चले गए हैं तो तुम क्यों नहीं गए? जनाब अगर मेरा बुढ़ा भाई बाप होता और वो हमले में अगर चल नहीं पाता तो क्या मैं उसे छोड़कर भाग जाता? मीरा, तो ये घर भी तो मेरे बाप जैसा ही है ना, मुझे पालता है, मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करता है, मैं ऐसे कैसे छोड़कर भाग जाता? चलिए जनाब अब निकलते हैं। आप तो आगे निकल गए, ये रहा मेरा घर। थैंक गॉड वी आर फाइनली हियर ना, मेरा घर आ गया। हां तो जनाब मैंने बहुत कोशिश की। नोटिस सर साहब, जिगरा सो नहीं सके। हां जनाब, वो कह रही कि जिगरा भी सो रहा है तो जनाब आवाज को नीचे रखे वरना जिगरा उठ जाए। अरे ये नफीसा है, मेरे मिसेज जनाब डॉक्टर जनाब। कुलहूर जी, अरे जनाब बाहर के जूते बाहर ही उतार दीजिए। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं जनाब, आपको कैसे मालूम होगा, शहरों में ऐसा अदब होता नहीं ना। आप आइए। जनाब ये ओवरकोट। जनाब ये शॉल उड़ लीजिए। घर अच्छा है तुम्हारा? छोटा है जनाब पर गर्म है। आप बैठिए। हाँ, लीजिए जनाब सिंगड़ी सेकी। हाँ। अरे जनाब इसे बचा के, ये मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। सॉरी सॉरी, ठंड में ठीक से हाथ पाओ काम ही नहीं कर रहे। सॉरी गुलाम। कोई बात नहीं जनाब, वैसे हाँ कयामत की ठंड पड़ी है इस बार कश्मीर में। कल अखबार में था कि बर्फबारी के कारण 3 मौतें हुई है शहर में। आओ की खबरें तो आजकल आती ही कहाँ है अखबारों में। आप लीजिए जनाब, ये कहवा लीजिए, हमारे कश्मीर का खास है ये, पीते ही गर्मी आती है। Thank you.
मुझे, तू भी बोलते थैंक यू? शर्माती है जनाब। जनाब वो कह रही कि जिगरा भी सो रहा है तो उसे सोने देते थोड़ी देर, आप कहवा पीजिए ना, ठंडा हो रहा है। जनाब मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गया। सिद्धांत। सिद्धांत, इसका कोई मतलब होता है? हाँ, सिद्धांत माने प्रिंसिपल। अच्छा, अरे जनाब प्रिंसिपल है स्कूल के? नहीं नहीं, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, अगर तुम्हारी भाषा में कहेंगे तो उसूल। अच्छा जनाब वो कह रही है अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। कोई जरूरत नहीं पूछने, तू जा। क्या पूछ रही थी? आपकी जात क्या है? अरे डॉक्टर की भी कोई जात होती है भला? क्यों नहीं होती, जब सबकी जात होती है तो डॉक्टर की भी जात होती है। मेरा पूरा नाम सिद्धांत कौर। आप कौन हो? अरे ये तो कश्मीरी निकले, कश्मीरी पंडित, किस इलाके के हो आप? वो मुझे नहीं मालूम। ऐसा कैसे जनाब? दरअसल बहुत साल पहले हमारे दादाजी कश्मीर छोड़कर चले गए। बहुत साल पहले माने? बहुत साल पहले माने बहुत साल पहले, अंग्रेजों के जमाने। मगर कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहाँ दिक्कत नहीं थी। नहीं नहीं, दिक्कत की वजह से नहीं, वो पढ़ने गए थे बाहर बंगाल से। कलकत्ता? हाँ कलकत्ता, तो वहीं पढ़े लिखे, फिर कभी इधर आना ही नहीं हो पाया। ऐसा कैसे जनाब, आना तो बनता है, कश्मीर घर है अपना, घर छोड़ने का दर्द कैसे बर्दाश्त कर गए वो? असल में जब दादाजी वहाँ पढ़ रहे थे तब उनकी मुलाकात मेरी दादी से हुई, वो वहीं की थी। बंगाली थी? हाँ बंगाली थी, तो उनसे उनसे उनकी शादी हुई और फिर वो उधर ही बस गए। अब वहाँ वो बस गए तो पिताजी का आना नहीं हो पाया, और पिताजी का आना नहीं हो पाया तो मेरा आना नहीं हो पाया। तो आप कश्मीरी नहीं है? अरे ये मिक्स है, अब दो क्या दिक्कत है, दो तो जगह मिल जाती है पना पाने को। बंगाल में दिक्कत है तो कश्मीर चले आओ, कश्मीर में दिक्कत है तो भागकर बंगाल चले जाओ। अरे जनाब आपकी बीवी तो कश्मीरी है या वो भी कोई बंगाली बुंगली है? जनाब अब आपका बच्चा कैसा है? अब तो एकदम ठीक है, जब आपसे फोन पर बात हुई तब से तो एकदम ठीक लग रहा है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तो आराम से सो भी गया, अब तो लग ही नहीं रहा जैसे पहले कभी कुछ हुआ भी था। फिर कर दी ना तूने वही बात, खामखा बुला लिया ना जनाब को इतनी दूर ठंड में। क्यों जनाब नहीं जाते क्या मरीज को देखने उसके घर? अरे क्यों नहीं जाते, जब मरीज डॉक्टर के पास नहीं जा पाता तो हर डॉक्टर जाता है मरीज से। आप अपने बच्चे को उठा लीजिए, मैं उसका चेकअप कर लेता हूँ। जनाब ये शॉट। जनाब ये ओवरकोट पहन लीजिए, नहीं तो बाहर आपको ठंड लग जाएगी। बाहर? हम घर के बाहर जा रहे हैं? हाँ चलिए जनाब मैं आपको घर छुड़ाऊँ। मगर तुम्हारे बच्चे को तो देख ले। क्या करेंगे बच्चे को देखकर, उसने कहा ना बच्चा एकदम ठीक है, अभी चलिए जनाब, अगर अभी नहीं निकले तो बाद में मुसीबत हो जाएगी। हाँ आप आइए। अरे जनाब जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, बाहर बर्फ पड़ रही है ना तो जनाब कह रहे थे उन्हें घर छोड़ाऊं। अरे मैंने कब कहा? जिगरा का इलाज नहीं करेंगे? तूने तो कहा ना जिगरा भी सो रहा है। तो मैं उसे उठा नहीं सकती? हाँ हाँ आप उसे उठा दीजिए, मैं उसका चेकअप कर लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ जनाब, बच्चा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं पर जरूरत पड़ी तो आपको वापस बुला लेंगे, आप ही ने कहा था ना जनाब आप अभी महीना भर हो कश्मीर में। अरे मैंने कब कहा, मेरी कल फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। नहीं जनाब आपने कहा था। मैंने कब कहा गुलाम? तुम नहीं चाहते ना हमारा बच्चा बच्चा है। फिसा? आपको इन्होंने आने से मना किया था, आप ही आना चाहते थे पर इन्होंने रोका था आपको आने से। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें क्या लगता है जिगरा हमारा अपना बच्चा नहीं है? ये तो क्या बोले जा रही है, पूछिए इनसे, इन्हें क्या लगता है जिगरा इनकी औलाद नहीं है? जब तुम काम पर जाते हो तुम्हारे पीछे से गुच्छारे उड़ाती हूँ मैं। मैंने कब कहा ऐसा? तो क्यों करते हो हर बार ऐसा? क्यों कहा था जनाब नहीं आ सकते हैं, और जब अब जनाब आ गए तो जिगरा का इलाज क्यों नहीं करने दे रहे? अरे क्योंकि वो एक ठीक है जनाब आप जाइए कर लीजिए बच्चे का इलाज। आइए जनाब आइए। चलिए नफीसा जी आपके बच्चे का इलाज कर लेते हैं।
क्या है ये? सब ठीक तो है ना जनाब? जिगरा ठीक तो है ना? क्या मजाक है ये? क्या हो गया जनाब? क्या ये गुलाम रसूल? हमारा बच्चा है जनाब, हमारा बेटा। सब ठीक तो है ना जनाब? अरे जनाब को क्या हो गया है? उन्हें रोको, वो जा रहे हैं। जनाब को क्या हो गया है? यही रुक, मैं जनाब से बात करके आता हूँ। अरे जनाब कहाँ जा रहे हैं? जनाब जनाब रुकिए, बात तो सुनिए। क्यों लाया मुझे यहाँ? क्या प्लान है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है जनाब। देखो गुलाम, मेरे साथ चालाकी मत करना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं पुलिस को बुला लूंगा गुलाम, होशियारी मत करना मेरे साथ। मैं पुलिस को बुला लूंगा गुलाम। ये पुलिस की बात क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चे की बात कर रहे हैं, तू अंदर जा, मैं जनाब सुना। जनाब मैं थोड़ी देर में चाबी लेकर आऊं। जाओ चाबी लेकर आओ तुरंत। मैं समझ गया क्या बात है। क्या बात है? तू नहीं समझेगी, मुझे जनाब से बात करनी थी। कौन सी बात? अरे डॉक्टर लोग इलाज से पहले बच्चे के बाप से बात करते हैं ना, शायद वही कुछ बात करनी होगी उन्हें। मेरे सामने क्यों नहीं हो सकती बात? अरे सारी बातें जनानियों के सामने नहीं की जा सकती। जनाब आपको पैसे चाहिए क्या? हाँ ऐसे कुछ समझ। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? अरे देख सारा दिन घुमाया है ना मैंने उन्हें, तो पेमेंट में से कटवा दूंगा। तू जिगरा को संभाल, देख रोज रोज कहाँ से लेकर आऊंगा मैं डॉक्टर। हाँ तू संभाल उसे, मैं बात करूँ। जी नहीं नहीं, हम लोग श्रीनगर में नहीं है, हम लोग एक हाईवे पे निकले हैं। कुपवाड़ा वाले? जी कुपवाड़ा वाले, यही कुछ ढाई घंटे बाद हमने गाड़ी रोकी। वहीं जहाँ एक छोटा सा गांव है। नहीं नहीं मतलब हाँ, वैसे तो गांव खाली है पर यहाँ एक फैमिली रहती है, गुलाम रसूल और उसकी फैमिली। जी ये गुलाम रसूल यहीं श्रीनगर में टैक्सी चलाता है। 55 सुपरच। क्या 55 सुपरच है? गाड़ी नंबर 5506। हाँ हाँ आप गाड़ी नंबर नोट कीजिए, 5506। नहीं नहीं अभी पुलिस को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगर मैं 2-2.5 घंटे में वापस शहर ना पहुँचूँ तो पुलिस को लेकर आइएगा और बंद कर दीजिएगा इन लोगों को। चल अब गाड़ी की चाबी निकालो और शहर छोड़ कर आ मुझे। जनाब अल्लाह कसम मैं थोड़ी देर में चाबी निकालूँगा। तू चाबी लाया नहीं अभी तक? देख गुलाम मेरे साथ चालाकी मत करना, तू जानता है मैं अभी किससे बात कर रहा था, श्रीनगर का पुलिस कमिश्नर। अगर मैं 2-2.5 घंटे में वापस शहर नहीं पहुंचा ना तो पुलिस आएगी और उठाकर जेल में बंद कर देगी तुम लोगों को। जनाब हम गरीब लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पे? जनाब हमारा बच्चा। बच्चा? बच्चा है तेरा? बच्चा नहीं है, डॉल है। ऑटोमेटिक चाइनीज डॉल है जनाब, मगर ये बात आप मेरे मिसेज को मत बताना जनाब। आप नहीं समझोगे बच्चे की औरत का क्या गम होता है। मैंने तो कितना मना किया था आपको यहाँ आने से, पर क्या जरूरत थी मेरे हाथ से फोन लेकर नफीसा को कहने की कि मैं डॉक्टर हूँ, बच्चे का इलाज करने आ रहा हूँ। इसमें मेरी गलती है? जनाब मेरी भी तो गलती नहीं है। आपको हामी बनने के बाद जब मैंने इसे कहा कि डॉक्टर जनाब नहीं आ पाएंगे तो ये मुझसे बोलने लगी कि अगर आप जनाब को लेकर नहीं आए तो मैं कुएं में कूदकर खुदकुशी कर लूंगी। क्या करता जनाब, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? एक मिनट, तुम ये सब क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनाब इतने जल्दी मैं नहीं समझा सकता, बहुत लंबी कहानी है, आपको रास्ते में छोड़ने जाऊंगा ना तब सब समझा दूंगा। बस अभी चलिए बच्चे का इलाज कर दीजिए। इलाज? अरे नाटक कर दीजिए इलाज का, बोल दीजिए कि सब ठीक है, कुछ गोली फोली दे दीजिए, नस नाड़ी चेक कर दीजिए। हाँ बोल दीजिए कि सब ठीक है। मैं कोई गोली अपनी जेब में रख के घूमता हूँ क्या? मैं लाया हूँ ना जनाब गोली सुई, वो गले में लटकाने वाला पाइप जिससे डॉक्टर छाती चेक करते हैं, मैं सब लाया मेडिकल की दुकान से। अगर नहीं लाता तो इसे यकीन कैसे दिलाता कि आप सचमुच के डॉक्टर हो? ये सब क्या बकवास है? जनाब मेरा इतना सा काम कर दीजिए, मेरा घर बच जाएगा जनाब, मेरा इतना सा काम। गुलाम तुम ये क्या कर रहे हो? उठो दरख्वास्त मेरी। गुलाम उठो। जनाब नहीं जनाब, ये क्या जनाब? बस जनाब ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? फोन पर कितनी तारीफ की थी उन्होंने आपकी, कहा था आप खुदा के बंदे हैं। देखिए आप रोना मत, ऐसे मत कीजिए। अरे क्या कर रही हैं आप, उठाइए इसे, उठाइए इसे, इसे बचा लीजिए, ऐसे ठंड में मत रखिए बेचारे को, ठंड लग जाएगी, उठाइए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है आप अंदर चलिए मैं आ रहा हूँ।
मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, प्लीज अंदर जाइए। हाँ चल चल, डॉक्टर जनाब कर रहे हैं तेरे जिगर का इलाज। चल आप आ रहे हैं ना जनाब? मैंने कहा ना नफीसा जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज अंदर जाइए। हाँ चल करेंगे जिगर का इलाज। पहले तुम इधर आओ। देखो गुलाम, ये नाटक फाटक जो भी करना है मैं कर दूंगा, पर उसके बाद तुम मुझे शहर में आपको शहर छोड़ कर आऊंगा तुरंत। बस अभी चलिए इलाज। लाओ वो सामान दिखाओ। कौन सा सामान? अरे वही जो तुम केमिस्ट की दुकान से लाए थे। आइए जनाब, ये घर का है, गलती से इसमें आ गया था। गुलाम ये सब सामान लो और अंदर चलो, जब मैं मांगू तो एक एक करके देना मुझे। ठीक है जनाब। मैं आ गया हूँ नफीसा जी, आप प्लीज अंदर जाइए। सॉरी आप ही पकड़िए इसे, आप ही पकड़िए। स्टेथोस्कोप दो। थर्मामीटर देना। अरे यार तुम्हें थर्मामीटर भी नहीं मालूम क्या? ये इसे कहते हैं थर्मामीटर, इससे बुखार चेक होता है। जरा बच्चे की बांह खोलिए। जरा बच्चे की बांह को ऐसे ही पकड़ के रखिएगा थोड़ी देर। नथिंग टू वरी, पेशेंट इज इन अ फीवर, सो मतलब बच्चे को बुखार नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है? दो दिन से ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना खाना ही खा रहा है। हाँ नफीसा जी वो सब नॉर्मल है, इस उम्र के बच्चों के साथ ये सब नॉर्मल है। तो अब तो सब हो गया, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं जनाब, ये आपने मंगवाया था कुछ, ये देखिए ये आपने मंगवाया था। हाँ जी मैंने मंगवाया था, और जब मंगवाया तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। चलिए लगे हाथ बच्चे का बीपी भी नाप लेते हैं। आप एक काम करिए, अपने बच्चे को इस पर लेटा दीजिए। अरे सोचिए मत, लेटाइए 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 नफीसा जी, कुछ नहीं होगा, लेटाइए। थोड़ा सा ऐसे।
नहीं जो क्या हुआ क्या आप हंस क्यों रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं वो मुझे एक जोक याद आ गया था जोक चुटकुला अरे जनाब मुझे बता रहे थे कि इलाज करते वक्त वो चुटकुले सुनाते हैं इससे ना हंसी खुशी का माहौल बना रहता है और मरीज भी हंसते हंसते ठीक हो जाते हैं जनाब वो सुनाइए ना चुटकुला नहीं कोई जरूरत नहीं है सुनाइए हाँ? हमें भी तो पता लगे आप किस बात पर हंस रहे थे जरूर एक बार एक आदमी था उसके हाथ में 13 उंगलियां थी वैसे इंसान के हाथ में 10 उंगलियां होती है पर बेचारे के हाथ में 13 थी तो वो सोचता है कि वो अब डॉक्टर के पास जाएगा पर अब डॉक्टर से कहे तो कहे कैसे कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ में 10 नहीं 13 उंगलियां हैं बात है तो बड़े शर्म की मतलब आदमी चंगा होता है तो भी शर्म से पानी पानी हो जाता है इसके हाथ में तो 13 उंगलियां हैं फिर क्या होता है जनाब फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी और मेरी कुल मिला के 23 उंगलियां हैं तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ में सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं हेलो अरे कुछ डॉक्टर के हाथ में ही 19 उंगलियां हैं अब बहुत बढ़िया था जनाब बहुत बढ़िया अब तो ये हो गया ये भी नॉर्मल है आप उठा लीजिए अपने बच्चे को तो अब तो सब हो गया है अब मैं चलता हूँ आप मुझे इजाजत दीजिए अरे जनाब सुई तो लगा दो किसे सुई लगा दूं बच्चे को छोटा है ना और अभी तो सो रहा है तो मुंह से तो दवाई दे नहीं सकते तो सुई लगा देते हैं हाँ सुई लगाते ही एकदम ठीक हो जाएगा जिगरा इतनी दूर से आए हो जनाब सुई तो लगा ही दो जी इंसान दूर से आए तो उसे सुई तो लगानी ही चाहिए इसकी एक दवाई भी होगी वो भी दे दो ये जनाब थैंक यू आप अपने बच्चे को लिटा दीजिए डरिए मत कुछ नहीं होगा आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा लिटाइए जरा ये कंबल हटाइएगा यहाँ से थोड़ा सा हाँ या अल्लाह जनाब छोटा है जिगरा संभाल के सॉरी 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 अब सब हो गया अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है अब मैं चलता हूँ मुझे इजाजत दीजिए हाँ मैं जनाब को छोड़कर आता हूँ इसका थोड़ा ध्यान रखना ठीक हो जाएगा जिगरा ठीक हो जाएगा हाँ, हाँ। जनाब दुनिया अल्लाह आपको दुनिया की सारी नेमत दे आपने मेरे जिगरा को जिंदगी बख्श दी हाँ आपको भी ऑल द बेस्ट अपना ख्याल रखिएगा मैं चलता हूँ नमस्ते हाँ, मैं जनाब को छोड़कर आता हूँ तू जिगरा को संभालना ठीक है देखो गुलाम मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दूंगा नफीसा के लिए उसे खिलाना श्रीनगर में एक डॉक्टर का पता भी बताऊंगा वहां पे लेके जाना नफीसा को इलाज के लिए ठीक है जनाब अभी चलते हैं जनाब तूफान के आसार बढ़ते ही जा रहे हैं ये रात कभी नहीं भूलेगी मुझे अरे जनाब को रोकिए क्या हो गया जनाब को खाली हाथ भेज रहे हैं मैं कुछ नहीं आती हूँ हाँ हाँ जा अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम चलो अरे कैसे कुछ नहीं चाहिए जनाब आप मेहमान हो और कश्मीरी के घर से मेहमान खाली आ जाए ना कुफ्र होता है आप बस 5 मिनट अरे चलो गुलाम तूफान कभी भी आ जाएगा तुम क्या कर रहे हो बस जनाब ये आखिरी है जल्दी अखरोट ही दे रही या अल्लाह क्या हुआ नफी साहब क्या हुआ गुलाम मदद जनाब मदद नफी साहब बेहोश हो गई है क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने जनाब कोई मजाक नहीं है मेरा बच्चा नकली तो क्या हुआ मिसेज तो बिल्कुल असली है वो मर जाएगी जनाब रहम जनाब रहम अच्छा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ आइए आइए गुलाम वो इनके पैरों के नीचे रख दो जी जी जनाब मैं कंबल लेकर आती हूँ
नहीं रहेगी तो बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? गुलाम एक काम करो, एक गिलास पानी लेकर आओ, शक्कर और नमक मिला। जी जना। लोगों के छह छह बच्चे हो गए, वो किसे पालते हैं? से एक पाला नहीं जाना। क्यों जना? पियो। अरे मुझे नहीं, इन्हें पिलाओ। ले पानी पी। जनाब आप तो डॉक्टर हो, समझाओ इसे कि पानी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है। अरे क्या होगा तेरा जब मैं नहीं रहूंगा तो? अरे कुछ होगा नहीं मुझे, पर तू अपना ख्याल तो रखा कर। गुलाब कहाँ जा रहे हो? जनाब लकड़ियाँ खत्म हो गई तो पीछे से लेकर आता हूँ। अरे कहाँ लकड़ियाँ लेने जा रहे हो, मुझे शहर छोड़कर आओ। जनाब अभी कैसे जाऊँगा, बाहर तूफान चालू हो गया है, घंटे दो घंटे में थमेगा ना, तब आपको ले जाऊँ। ठीक है गुलाब, गुलाब गुलाब ये गांव कितनी दूर है यहाँ से? यही तो गांव है। नहीं नहीं मैं इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ सब लोग चले गए। संगम कुंड। हाँ संगम कुंड होगा करीब। क्या जगह है ये, दूर दूर तक वीराना, ना आदमी है ना आदम जात। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ, कभी कोई जरूरत आन पड़े तो? अल्लाह पूरी करता है, उसी ने तो भेजा ना आपको जब जरूरत पड़ी तो। देखिए सब लोग चले गए हैं, आप लोग को भी चले जाना चाहिए। अगर हम भी चले जाएंगे तो हमारा घर कैसे अकेला रहेगा? देखिए नफीसा जी, कभी कभार घर को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा कहा मानिए, आप लोग भी कहीं चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, जैसे जैसे श्रीनगर, बड़ा शहर है, लोग हैं, अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ इलाज भी अच्छे से हो पाएगा ना। क्यों आपने तो सुई लगाई है ना? नहीं नहीं, तो... नहीं नहीं नहीं, मैं आपके इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वहाँ आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कभी कभार चक्कर आ जाते हैं। देखिए नफीसा जी ऐसे टालिए मत, आपकी प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आजकल हर बीमारी का इलाज हो सकता है, पर अगर आप ऐसे ही टालती रहें तो आगे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, जो परेशानी है वो बढ़ भी सकती है नफीसा जी। कैसी परेशानी? आपकी परेशानी नफीसा जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बताइए क्या मैं आपको गलत सलाह दूंगा? जरा पकड़िए इसे, जरा संभाल के, छोटा है बच्चा। आप डॉक्टर हो के मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं क्या? आपको क्या पता मेरी क्या क्या परेशानियां है, सारा सारा दिन अकेली रहती हूँ और फिर उसके बाद सुबह अल्लाह का नाम लेकर दिन शुरू करती हो, फिर उसके बाद घर की सफाई, इनको सुबह का नाश्ता देकर शाम का खाना पैक करना, उसके बाद कुएं से पानी निकालना, सर्दियों में सबसे मुश्किल काम होता है कुएं से पानी निकालना, लेकिन मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देता है मेरा जिगरा बेटा। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। नहीं आपके लिए नहीं है, जिगरा के लिए। ये कैसे खाएगा ये तो? क्यों ये तो सो रहा है तो यही कैसे खाएगा ना? हाँ उठता है तो खिलाती हूँ। जरूर, वैसे क्या खिलाती हैं आप इसे? रोटी। बच्चे का साइज देखा है आपने, इतने छोटे बच्चे को रोटी जैसी कड़ी चीज नहीं, कोई मुलायम गली हुई चीज खिलानी चाहिए। सुबह से दूध में भिगो कर ही रखी है, मुलायम ही है, माँ हूँ इसकी, इतना तो जानती हूँ।
नफीसा जी, कभी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी बात ही ना समझ रहा? नहीं, खुदा की फजल से ये तो मेरी सारी बातें मानते हैं, और जिगरा तो है ही मेरे जिगर का टुकड़ा। लाइए जनाब, मुझे दे दीजिए। नफीसा जी, ये चक्कर आपको अक्सर आते होंगे, मतलब रातों को नींद नहीं आती होगी, घबराहट होती होगी, होती है ना? घबराहट तो होती, हाँ घबराहट तो होगी, सारा सारा दिन अकेली रहती हूँ। जिगरा भी छोटा है और इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है आप जैसे लोगों को कश्मीर घुमाने से। नफीसा जी, आपको लोग दिखते होंगे, मतलब ऐसे नहीं जैसे आप मुझे देख पा रही हैं या फिर जैसे आप गुलाम रसूल को देखती हैं। आप समझ पा रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर अपने जिगरा को छोड़कर और गुलाम को छोड़कर कोई और दिखाई देता है? हाँ। कौन? बहुत सारे लोग। ये बहुत सारे लोग आपको कहाँ दिखाई देते हैं? यहाँ घर में, बाहर गली में और इधर गांव में। ये बहुत सारे लोग आपको घर में, गली में और गांव में कैसे दिखाई देते हैं जबकि इस गांव में तो कोई और है ही नहीं? नहीं नहीं जनाब, जो कमजोर थे वो चले गए हैं, बाकी सब तो यही रहते हैं। बाकी सब? ये बाकी सब कौन है? रूहें। रूहें रहती है यहाँ। अब जनाब मरकर भी कोई अपना घर थोड़े ना छोड़ता है, सब यही रहते हैं। देखिए नफीसा जी, ये भूत प्रेत कुछ भूत नहीं है, वो रूहें हैं, हमारे बुजुर्गों की रूहें जो यहाँ रहती हैं, हमारी हिफाजत करती हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए अगर यहाँ कोई नहीं रहता है तो फिर वो बाहर खाली घरों में रोशनी कौन जला रहा है? ये रोशनी आप जलाती हैं, गुलाम रसूल जलाता है। आपके अपने आस पड़ोस में रोशनी जलाते फिरते हैं, आप कभी किसी पर यकीन नहीं करते ना? आप समझ ही नहीं रही हैं नफीसा जी। आप नहीं समझ रहे हैं जनाब, क्योंकि आपने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा है ना। आप अपनी आंखों से देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, आइए। अरे नफीसा जी कहाँ जा रही हैं? बाहर बाहर तूफान आने को है। जल्दी आइए, वहां देखिए। वहां तो कोई भी नहीं है। वहां नहीं, वहां देखिए। वहां भी कोई नहीं है। कैसे होगा, रात हो गई है, सब सो रहे हैं। अब वहां देखिए। मास, ओ बड़ी मास। मास बड़ी सुस्त है, पहले मासू आएंगे, वो आ गए। क्या हो रहा है? अरे अरे जनाब, अरे कुछ नहीं, बस जनाब को सबसे मिलवा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे मासू, हाय मास, हाय सलाम मुदस्सर भाई, सब खैरियत? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आप सब आ गए। हाँ हाँ, अरे ये डॉक्टर जनाब है, आधे कश्मीरी हैं आधे बंगाली हैं। हाँ हाँ, हमारे जिगरा का इलाज करने आए थे। हाँ कर दिया ना इलाज? कर दिया, अब जिगरा बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सुनो, रात बहुत हो गई है, अब आप सब जाओ जाओ जाओ। अरे मुदस्सर भाई जाओ, कर दिया।
आप बीमार पड़ी, मैंने आपका भी इलाज कर दिया। आपने कहा रूहों से मिलो, मिल तो लिया, तो अब क्या बचा है करने को? गुलाम तुम शक्ल क्या देख रहे हो? चाबी दे रहा हूं मैं। नहीं जनाब, आप समझ नहीं रहे हैं, बाहर अंधेरा हो रहा है, तूफान हो रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो जाने देना जनाब को, मैं भी जाऊंगा उनके साथ में। तुम आज भी चले जाओगे? जितना की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या बहस में लगे हो तुम लोग, तुम मुझे चाबी दे दो, मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे, प्लीज चाबी दे दो। नहीं जनाब, आप नहीं जा सकते आज, आज बाहर तूफान हो रहा है, आज नहीं जाएंगे आप। नहीं, हां हां, नफीसा की बात बिल्कुल सही है जनाब, आप ना आज रात यहीं रुक जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सोने के कपड़े की तो कोई कमी नहीं है, आप गाड़ी में लाए हो ना श्रीनगर से सोने के कपड़े? कौन से कपड़े? अरे आप कपड़े लाए हो श्रीनगर से सोने के, गाड़ी तक जाएंगे? हां कपड़े कपड़े मैं लाया हूं, मैं लाया था, पर मैं गाड़ी तक तुम्हारे साथ चलूंगा, कपड़े मारते हुए जाएंगे। हां मैं चाबी लेकर आता हूं। चलो चलो। अरे इन कपड़ों में कैसे सोएंगे जनाब? जनाब बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी बात बात में कपड़े बदलते हैं, है ना जनाब? मैं चाबी लेकर आता हूं। देखिए नफीसा जी, मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप गाड़ी की चाबी दे रही है? अरे कोई खतरा नहीं है आपके इस बच्चे को, मुझसे किसी से कोई खतरा नहीं है इसको, क्योंकि बच्चा है ही नहीं। ये बच्चा किधर से आ रहा तुझे? बच्चा किधर से आ रहा है? खाने का से गिराती है, मुंह किधर है इसका? किसको खाता है? पोटी करता है? अरे समझो इसको, जिंदा बच्चा नहीं है, बेजान नहीं है। बच्चे यहाँ दीजिए। जिगरा एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ जिगरा को, देख देख देख, इसने अभी मम्मा पापा बोला। हाँ बिल्कुल ठीक है जिगरा, कुछ नहीं हुआ इसे, कुछ नहीं हुआ। ये मुझे बाधा क्यों है?
पानी पियो जनाब, मैं पिला देता हूँ। ये मुझे बाधा क्यों है? चिल्ला मत, जिंदा रखा है उसी का शुक्र मनाओ। ए नफीसा, डॉक्टर जनाब से ऐसे बात मत कर। डॉक्टर नहीं है ये, जिन जिन्नात का साया इस पर। बता क्यों आया था यहाँ? मैं आया था, मैं खुद नहीं आया था, ये नहीं आया था मुझे। कौन लाया था ये नहीं पूछा है, किस लिए आया था ये पूछा है। मैं आपके बच्चे के इलाज के लिए आया था। जहर की सुई क्यों लगाई तूने जिगरा को? वो जहर की सुई नहीं है, इट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और गॉड सेंट। हां हां जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर जनाब, वो बच्चों को लगाते रहते हैं, आधे वक्त भी उन्होंने 5-6 बच्चों को लगाई थी सुई। या अल्लाह, ना जाने कितने बच्चों को रोज मारता होगा ये जल्लाद। नहीं मैं क्यों मारूंगा किसी को, आई एम अ डॉक्टर, अ क्वालिफाइड डॉक्टर, नॉट अ साइकोपैथ। तो तेरे सुई लगाने के बाद भी जिगरा उठ क्यों नहीं रहा है? वो दवाई का असर है। टोटका किया क्या इसने तुम पर? ये तुम भी यही चाहते कि हमारा बच्चा ना बचे? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, इन्होंने ही कहा था कि ये डॉक्टर हैं और जिगरा के इलाज करने आ रहे हैं। तू जहर का तोड़ बता, बता नहीं तो इसी कुर्सी पे तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगी। अरे मैं क्या तोड़ बताऊं, मैं कैसे उस चीज को जिंदा कर दूं जिसमें जान ही नहीं है। नफीसा क्या कर रही है? छोड़ दो मुझे। अरे नफीसा ये पागल है, इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता ये क्या बोले जा रहे हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मैं यूं ही कुछ भी बकता रहता हूँ, मैं पागल हूँ। लेकिन मैंने जब आपके बच्चे का इलाज किया था तब मैं पागल नहीं था। आपका बच्चा ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। जिगरा बिल्कुल ठीक है, तू तू अंदर जाकर देख, तू देख ले अंदर जा, बिल्कुल ठीक है। गुलाम, गुलाम मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ जनाब। गुलाम, गुलाम ये मुझे मार डालेगी, ये पागल है, ये मार डालेगी मुझे। जनाब तो कुछ नहीं होगा आपको, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर। हाँ जरूर जनाब, अल्लाह कसम कुछ नहीं होने दूंगा आपको। और जनाब नफीसा पागल नहीं है, वो बस अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। ये उठ नहीं रहा है, ये उठ नहीं रहा है, वो सो रहा है। तुम चुप करो, मैं इससे बात कर रही हूँ, बता जिगरा उठ क्यों नहीं रहा है? वो सो रहा है। झूठ! नहीं सच, भगवान कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम। रूहों को बुलाओ, अब वही फैसला करेंगे ये सच बोल रहा है या झूठ। ये सब क्या बकवास है? बुलाओ! ऐ वादी की रूहो, ये फैसले का वक्त है, आगाज करो। ऐ मास, मासू, इशरत, मुदस्सर भाई, आओ आओ और यहां बैठ जाओ। आपको तो पता है कि ये डॉक्टर जनाब है, हमारे जिगरा का इलाज करने आए थे। हाँ मास, हाँ जनाब, मास आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रही है। सुनाई नहीं पड़ा? हाँ हाँ सुनाई पड़ा ना। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, नमस्ते, सलाम, अस्सलाम, आई मीन वालेकुम अस्सलाम। नाम पता बताओ। मेरा पूरा नाम सिद्धांत कौल है, आई एम ए डॉक्टर, एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का डॉक्टर, हकीम, दवाई वाला, दवाई वाला हकीम, जो लोगों को ठीक करता है। मास ये सच बोल रहा है? हाँ हाँ मास कह रही है ये सच बोल रहा है। ये यहाँ किस मकसद से आया था? मैं आपके बच्चे के इलाज के लिए आया था। मासू का कहना है यही बात सच है। इसने जिगरा को जहर की सुई लगाई है। अरे मैं क्यों किसको जहर की सुई लगाऊंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना, उनकी जिंदगी लेना नहीं। मैं तो चाहता हूँ इस दुनिया का हर इंसान अच्छा हो जाए, पर सिर्फ मेरे चाहने से तो नहीं हो जाता ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर ही हूँ, कोई खुदा तो नहीं। हाँ हाँ इशरत कह रही कि जनाब का कहना बिल्कुल सही है, इन्होंने तो खुदा के बंदे का काम किया है। हाँ हमारे जिगरा का इलाज करके। तो इसने ऐसा क्यों कहा कि हमारा बच्चा बेजान है? सबका मानना है कि जनाब को पागल बन के दौरे पड़ते हैं। इसने जिगरा को जहर की सुई लगाई है, इसने जिगरा को जहर की सुई लगाई है। नहीं मैंने जहर की सुई नहीं लगाई है, वो सो रहा है क्योंकि दवाई का असर है अभी। हाँ नहीं दवाई का असर है नफीसा जी, अभी वो इसलिए सो रहा है।
दवाई का असर है नफीसा जी वो। हाँ जनाब आप बता दो ना कितना टाइम लगने वाला है, 3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम लगता है बता दो। हाँ 3 या 4 घंटे में उठ जाएगा। 3 घंटे या 4 घंटे? अब इतना फिक्स नहीं होता रफीसा जी। अरे जनाब घबराओ मत, ज्यादा टाइम लगता है तो वो भी बता दो, कल सुबह तक या दोपहर तक। हाँ कल दोपहर तक उठ जाएगा गारंटी के साथ। दोपहर? तो मास ये भी कल दोपहर ही ऐसे जाएगा। नफीसा तुम चुप करो, ठंड पकड़ लेगी, अंदर चलो, मैं इसके लिए कहवा बना के लाती हूँ, उसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है आता हूँ। जनाब ड्रिंक लोगे? ड्रिंक? थोड़ी राहत मिल जाएगी पर इसे पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए कहवे में डालकर पियेंगे। ठीक है, इसे पता चला तो बुरा हाल ही कर देगी, आपका तो वैसे ही बुरा हाल है, मेरा भी लगता है वो आगे। तो जनाब तो पूरी रात यही रहने वाले हैं, तो खाने के लिए बनाती हूँ खाना। अच्छा सुन जनाब मेहमान है ना, तो रोज वाला खाना मत बनाना, कुछ खास बना इनके वास्ते। गुश्तबा जनाब, आप गुश्तबा खाओगे? नहीं मुझे कुछ नहीं खा रहा है, मुझे भूख नहीं है। बहुत शर्माते हैं जनाब, बड़ी भूख लगी इन्हें। तू एक काम कर गुश्तबा बना दे। हाँ गुश्तबा बना दे। बनाती हूँ। अच्छा सुन बढ़िया बनाना, ज्यादा वक्त लगता है तो लगने दे, जनाब को भी याद रहे कि नफीसा के हाथ का गुश्तबा खाया था। अरे जनाब आप मेरे इशारे नहीं समझते, खाना किसे है, पीने का जरा सा टाइम मिल जाता। खुदा का कहर टूटेगा मुझ पर, कयामत पे मेरे गुनाहों की सजा मिलेगी मुझे, पर कयामत तक जीऊं तो जीऊं कैसे? जब हालात हद से आगे बढ़ जाए ना जनाब, तो इसका सहारा लेना ही पड़ता है। जनाब स्ट्रॉन्ग बनाऊं या लाइट? मुझे नहीं पीना है कुछ भी। अरे पी लो जनाब, देसी नहीं है अंग्रेजी है विस्की। मेरी अम्मी बजाया करती थी ये गाना, पर मैंने बहुत बुरा बजाया। नहीं बहुत अच्छा बजाया। ये तो मेरी हर चीज की तारीफ करती है जनाब, मुझसे इतना प्यार जो करती है। जनाब आप भी कोई गाना सुना दो ना। मैं? सुनाइए जनाब, हम अपने ही लोग हैं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। सुनाइए। देखिए मुझे ये गाना वाना नहीं आता है, रहने दीजिए। कुछ तो याद होगा। लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है वो तो बड़ा। बस मुझे इतना ही याद है। बहुत खूब जनाब बहुत खूब, क्या गाया है बहुत अच्छे। बहुत बुरा गाया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुझे ये गाना वाना नहीं आता है। ना गाना आता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, निकाह कैसे हो गया तुम्हारा और झेलती कैसे बीवी तुम्हारी तुम्हें। ऐ नफीसा बस कर। बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं।
रहती क्यों है वो तुम्हारे साथ? नफीसा ये तू क्या बोले जा रही है? क्यों, औरत जिंदगी दे देती है मर्द को, उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? गलत बात है, खुदगर्जी है ये। अम्मी ने पसंद की थी लड़की। क्या? लड़की अम्मी ने पसंद की थी? नहीं, हम खुद ही मिल लिए थे। कहाँ? पेरिस में। विलायत में मिले थे आप लोग जनाब? निकाह की बात किसने की और निकाह के लिए कैसे पूछा? मैंने ही की थी, मैंने ही पूछ लिया था शादी करोगी मुझसे। ऐसे ही पूछ लिया शादी करोगी मुझसे? नहीं, अंग्रेजी में बोला था मैंने। कैसे? If I knew how to write a song, I would write one every day. It will tell you how much I love you. And why I feel this way is because इसका मतलब होता है कि मतलब समझ में आ गया, आवाज से मतलब समझ में आ जाता है। जिगरा के उठने का टाइम हो गया ना? जिगरा के उठने का टाइम हो गया है। अरे हाँ। नहीं नहीं, डॉक्टर जनाब ने कहा था ना वो कल दोपहर उठेगा। हाँ नफीसा जी, और कल दोपहर का मतलब तो कल दोपहर ही होता है। हाँ। आज रात थोड़ी ना होता है। आप क्यों मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रही हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपके बच्चे का इलाज ठीक से नहीं किया? किया है, बहुत अच्छे से किया है। माना मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया, क्या करूं, पागल हूं, यूं ही कुछ भी बकता रहता हूं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब इलाज करता हूं तब मैं कभी पागल नहीं रहता, मैं बस वैसे पागल रहता हूं। बहुत प्यार करती होगी तुम्हारी बीवी तुमसे, तभी तो रहती एक पागल के साथ। ना जाने कैसी जिंदगी होगी बेचारी की। देखिए इन सब में मेरी बीवी को मत घसीटिए, और वो वैसे भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसे बख्श दीजिए। क्या हुआ था उन्हें जनाब? कैंसर था उसे। तो आप तो डॉक्टर हो जनाब, फिर आपने? मैं तो डॉक्टर हूं, मैंने क्यों नहीं कुछ किया? डॉक्टर तो सब कर लेता है, तुम्हें तो सब मालूम है। पता भी है कैंसर क्या होता है? इट्स अ ट्यूमर विच किल्स यू विदाउट एनी मर्सी। और वैसे भी शी वाज इन हर लास्ट स्टेज, इलाज से बहुत परे थी वो। तो ऐसे ही जाने दिया, कोशिश भी नहीं की। अरे क्या मिल जाता है लोगों को झूठ को जीकर। अगर उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा होता और कहता कि सब ठीक हो जाएगा तो हो जाता क्या ठीक? हो गया क्या ठीक? वो सच को जानती थी और मैं सच को जानता था, और मैं एक डॉक्टर होकर सच को कैसे झुठला दूं? मुझे तो समझ नहीं आता लोग झूठ से इतना चिपक कर क्यों रहते हैं, क्यों नहीं समझते कि सच ही सच होता है, उसके सिवाय और कुछ सच नहीं होता। सच तो तुम अपने हिसाब से जिगरा के बारे में भी जानते थे, अब पता चला ना जिगरा ठीक हो जाएगा। जिगरा ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं, यकीन के साथ मेरी आंखों में देखकर बोलो, जिगरा ठीक हो जाएगा ना? हाँ नफीसा जी, आपका जिगरा ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा जिगरा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू अंदर जा, तू अंदर जा, उसको संभाल। गुलाम, गुलाम मुझे खोल दो। जनाब धीरे बोलिए, वो वही खड़ी है, वो सुन लेगी। गुलाम मुझे तुम छोड़ क्यों नहीं रहे हो? जनाब मैं आपको छोड़ दूंगा, अल्लाह की कसम तो खाई है ना मैंने। कसम खाई है तो छोड़ क्यों नहीं रहे हो? जनाब अगर छोड़ भी दूंगा तो भाग कर कैसे जाओगे, चाबी तो उसके कब्जे में। आप एक काम करो, आप अभी सो जाओ। हाँ सो जाऊं? अरे मतलब नाटक करो सोने का, जब तक मैं ना चाबी लेकर आता हूँ, फिर आपको मैं खोल दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा, ठीक है? हाँ, तुम चाबी ले। हाँ जनाब। हाँ आप सो जाओ। हाँ हाँ जिगरा सो रहा है, वो उठ जाएगा। तू कितना काम करती है, ला मैं तेरी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तुम कुछ ना करो ना, उसी में सबसे बड़ी मदद है। हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना। तुम ना कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। कहीं पर भी कहाँ, घर है मेरा, कोई बस स्टैंड थोड़ी ना है। श,
शरारत बंद करो और जाकर जिगरा के पास बैठो। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा नफीसा, देख जिगरा कैसे सो रहा है। बाहर डॉक्टर जनाब भी बिल्कुल ऐसे ही सो रहे हैं। सोते हुए हर इंसान के चेहरे पे बिल्कुल एक जैसा सुकून होता है, जानती है क्यों? हाँ, क्योंकि सोता हुआ इंसान सोचता नहीं है ना, और परेशानी तो सोचने से होती है। देख कितनी ज़हीन है तू, जब सब कुछ जानती है तो फिर क्यों सोचती रहती दिन भर इतना? सोचना पड़ता है, कोई नहीं है ना हमारे इस पूरी दुनिया में, बिल्कुल अकेले हम लोग। जिगरा भी छोटा है और तुम तो हो ही इतने मासूम कि किसी पर भी आग बंद करके विश्वास कर लेते हो, तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही थी। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि तू मेरे साथ है, मेरा ख्याल रखती है, मुझे संभालती है। पर डॉक्टर जनाब बेचारे, उनका तो कोई है ही नहीं ना इस दुनिया में, इतने बड़े शहर में कैसे रहते होंगे अकेले। जनाब अपनी बीवी के मरने के बाद पागल हुए होंगे ना? हाँ, बीवी के मरने के बाद पागल हो गए, उससे पहले अच्छे भले इंसान थे। अगर मैं मर जाऊं तो तुम भी पागल हो जाओगे? अरे दिलबरो कुछ नहीं होगा मुझे, मौत भी आई ना काट कर गाड़ दूंगी। और वैसे भी अब हम ज्यादा दिन अकेले नहीं रहने वाले हैं, जिगरा बड़ा हो रहा है, जैसे ही बड़ा होगा हम इसकी शादी कर देंगे। और फिर इसके बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, हम उनकी भी शादी कर देंगे। फिर उनके बच्चे होंगे, फिर हम उनकी शादी कर देंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे। हाँ। अरे पर इतने सारे लोगों को तू रखेगी कहाँ? क्यों, इतना बड़ा गांव है हमारा, सारे घर खाली पड़े हैं, वो सब आबाद हो जाएंगे, पूरा पूरा गांव आबाद हो जाएगा हमारे खानदान से। फिर देखना इन खाली घरों में रोशनी रूहे नहीं जिंदा लोग जलाएंगे, देखना तुम। मैं भी इसी दिन की उम्मीद में जी रहा हूँ। हाँ लो हो गया सब खराब, तुम्हारे चक्कर में कुछ का चलकर खराब हो गया होगा। ये तू चाबी ढूंढ रहा था? जनाब कोशिश तो कर रहा था। देख गुलाम मेरे साथ चालाकी मत करना, तूने कसम खाई है। जनाब कसम खाई है मैंने, मैं आपको छोड़ दूंगा। कसम खाई है तो छोड़ क्यों नहीं रहा है मुझे, मेरे हाथ खोल दे। जनाब मैं वो नहीं कर सकता। मैं कहां भाग कर जाऊंगा, मुझे चोट लगी है। गुलाम मेरे हाथ खोल दे, मुझे दर्द हो रहा है। जनाब अगर दर्द हो रहा है तो मैं दबा देता हूँ ना, लाइए। माफ करना जनाब, मैं नफीसा की कोई बात टाल नहीं सकता। रे 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 छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं हाथ दबाने की। जनाब ये जो नफीसा है ना, इसे बहुत तकलीफों से गुजरते हुए देखा है मैंने। पता है जब हमारा निकाह हुआ था ना, तो मैं हैरान ही रह गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना खूबसूरत मेरी जिंदगी में आएगा। जनाब वो पहाड़ देख रहे हैं आप, वहीं से हमारी बारात निकली थी, बहुत धूमधाम से हुई थी हमारी शादी। जनाब दो दो बसे करके लोग आए थे हमारी शादी में, खूब नाच गाना, पूरा गांव नाचा था, सब लोग नाच रहे थे, मुझे भी बहुत नचाया था, मैं भी बहुत नाचा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जनाब, बस इसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। जब हकीम को दिखाया तो पता चला इसे ये दौरे बचपन से पड़ते हैं। नफीसा के घर वालों ने हमसे ये बात छिपाई थी, बस फिर होना क्या था, दिन भर घर में झगड़े होने शुरू हो गए। अम्मी दिन भर कोसती रहती नफीसा और उसके घर वालों को, सबने कहा कि तलाक दे दे नफीसा को और दूसरा निकाह कर ले, पर मैं नहीं माना जनाब, क्योंकि नफीसा मेरे लिए आज भी उतनी खूबसूरत है जितना मैंने उसे पहली बार देखा था। बस फिर क्या, हम वो गांव छोड़कर इस गांव में आ गए। यहां मैं कोई जानता नहीं था ना, गुमनामी का भी एक अलग ही सुकून होता है जनाब।
बच्चे की बड़ी आस थी इसे। मुझसे हर दिन कहती कि जब हमारा बच्चा होगा ना तो हम उसे खाना खिलाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसे घुमाने ले जाएंगे। पर शहर के डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि बच्चे की सोचना भी मत, क्योंकि या तो बच्चा रहेगा या तो नफीसा। पर ये तो है ही जिद्दी, आपने तो देखा ना जनाब। फिर मैंने भी सोचा अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। जब ये पेट से हुई थी ना जनाब, तो कमाल हो गया था, एकदम जादू जैसा। इसका चेहरा हरदम खिला खिला रहता था, इसे दौरे पड़ने भी बंद हो गए थे। उन दिनों हमारे घर में सिर्फ हम रहते थे और हमारी मुस्कुराहटें। हमारे जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे वो, सबसे हसीन दिन। पर वक्त की तो आदत है ना जनाब, दगा देनी थी। 3 साल पहले यहां हमला हुआ था, लड़ाई आर्मी वालों की और जिहादियों की थी। हर तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। मैं इसका हाथ लिया और भागना शुरू किया कि अचानक से इसे बहुत तेजी से खून बहना शुरू हो गया। या अल्लाह! मैंने इसे कहा, तू हिम्मत रख, तू हिम्मत रख, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मैं इसे अस्पताल लेकर पहुंचा। हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ होने नहीं दूंगा मैं तुझे। शहर के डॉक्टर ने कहा कि हमारा बच्चा मर गया है। उसके बाद से तो ये एकदम पागल जैसी हो गई थी जनाब। हर दम मुझे कोसती रहती और डॉक्टर को कोसती कि क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया। तो कोई बच्चा रो रहा होता तो कहती, जिगरा रो रहा है, मुझे उसे दूध पिलाना है, जिगरा रो रहा है। पता नहीं कहां से एक दिन एक गुड्डा उठा ले, एक गुड्डा उठा ले आई और बोलने लगी कि ये हमारा जिगरा है, यही हमारा जिगरा है, यही हमारा जिगरा है। हमारा जिगरा? हाँ, यही हमारा जिगरा है, हमारा जिगरा। हाँ, ये हमारा जिगरा है, हमारा जिगरा है। का ये बना हुआ विश्वास मैं तोड़ नहीं सकता था जनाब। ये विश्वास ना टूटे इसलिए मैं हर साल पिछले वाले से थोड़ा बड़ा गुड्डा इसके सिराने रख देता हूँ जब ये सो रही होती है। हम हर 4 जनवरी को इसका हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं जनाब। अभी 15 दिन पहले ही तो मनाया था हमने इसका हैप्पी बर्थडे। पर बेचते वक्त दुकानदार ने साफ कह दिया था, ये गुड्डा चाइनीज है, ये बोलेगा, गाएगा, डांस भी करेगा, पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि चाइनीज है ना। शुरू शुरू में तो अटक अटक कर चल रहा था, अब तो वो भी। सोचा था 2-4 दिन में जाकर ठीक करा के ले आऊंगा, पर बदकिस्मती से जनाब आप यहां आ गए। गुलाम, तुम जानते हुए तुम क्या कर रहे हो? जनाब, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? गुलाम, ये ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए, ना ही नफीसा के लिए। गुलाम, क्योंकि नफीसा ठीक नहीं है। नहीं जनाब, नफीसा बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? तुमने देखा नहीं? She doesn't have any hold on reality. She keeps living in a parallel world. माने उसको जो होना चाहिए वो है ही नहीं। जनाब, अब आप मेरे अम्मी की तरह बात कर रहे हैं। वो भी यही कहती थी, नफीसा को ये होना चाहिए, नफीसा को वो होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए नफीसा को, और कौन तय करेगा किसको क्या होना चाहिए? देखो गुलाम, अरे है उसकी कोई जरूरत? सबकी होती है। वो लोग जो मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं,
या आपके मंदिरों में पत्थर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अपना दुख बांटते हैं। आप उनको बोलोगे, हाँ आप उनको बोलोगे कि जाओ जाकर अपने इलाज कराओ, तो जब वो लोग नहीं जनाब, तो मेरी नफीसा क्यों? क्योंकि क्योंकि वो किसी मंदिरों या मजारों में नहीं, एक रबड़ की गुड़िया से प्यार करती है। नहीं गुलाम, क्योंकि नफीसा जो जी रही है वो सच नहीं है। अरे क्या करेंगे हम ऐसे सच का जो हमें जीने ही ना दे। और वैसे भी जनाब, इस दुनिया के सारे सच यकीन पर खड़े होते हैं। आप यकीन करके देखो, सच अपने आप बन जाता है। वरना सच ना, सच तो अपने आप में कुछ होता ही नहीं। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा बना। गुलाम जनाब, धीरे बोलिए, वो सो रही है, मैं आपको खोल रहा हूँ। तुम मुझे जाने दे रहे हो? हाँ जनाब, वो अभी सो रही है, यही मौका है, भाग जाओ। थैंक यू गुलाम। अरे जनाब, मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया, अब आप पुलिस को कुछ मत बताइएगा, हम गरीब लोग हैं जनाब। हाँ गुलाम, तुम बहुत भले इंसान हो, मैं वायदा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जनाब अल्लाह आपको सलामत रखे, तुम्हें भी। गुलाम तुम मुझे जाने दे रहे हो, तो तुम नफीसा को क्या जवाब दोगे? अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे जाने दिया, उसको तो तुम पर शक हो जाएगा, तुम्हारी तो जिंदगी हराम हो जाएगी। हाँ जनाब, मैं क्या जवाब दूं उसे? हाँ अरे जनाब, मैं आपको मार नहीं रहा, ये आप मेरे सर पे मार देना, ठीक है? ये आप मेरे सर पे मार दीजिए। हाँ। मार दूं? अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे जनाब मार दो मुझे, मुझे लगती रहती है। तुम्हें लगती रहती होगी, मैं तो नहीं मारता रहता ना लोगों को, मैं यहाँ पे किसको मार मार के नहीं जाऊंगा। तो ठीक है जनाब, आइए वापस बैठ जाइए यहाँ पे, बांध देता हूँ। नहीं मैं मारता हूँ गुलाम, तुम अपना सर बचाना। हाँ गुलाम, अगर ज्यादा तेज लगी होगी तो सॉरी, बर्फ लगा लेना, सूजन नहीं आएगी। अरे आप जाओ जनाब। गुलाम, गुलाम, गुलाम। अरे जनाब आप पागल हो क्या? वापस क्यों आ गए? चाबी, चाबी। चाबी? गाड़ी की चाबी। मेरे पास तो नहीं है चाबी। तो मैं जाऊंगा कैसे? अरे टॉर्च दिए ना आपको। तो क्या टॉर्च पे बैठ के चला जाऊं? गुलाम गाड़ी की चाबी दे दो। अरे पैदल चले जाओ ना जनाब। अरे पैदल कैसे जाऊं, इतना लंबा रास्ता मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तो क्या करें? चाबी ढूंढते हैं, यहीं कहीं घर में ही होगी। आओ आराम से, आराम से। बांध रहा हूँ जनाब, बांध रहा हूँ।
सारी रात तेरी बकवास सुनी है मैंने। बांधो गुलामी से। बांध रहा हूँ। अच्छे से जल्दी बांधो। बांध रहा हूँ। बच्चे कुछ मत करी जाओ। चुप रह तू। मेरे बच्चे को कुछ। गुलाम बांधो जल्दी। मुंह बंद कर, बच्चे की जान प्यारी है तो। जनाब मैंने उसे बांध दिया, अब आप वो बच्चा दे दो। चले जाओ यहाँ से जनाब, लौट कर मत आना। अरे जनाब जाते जाते ये बताते जाओ कि हमारे जिगरा को कुछ नहीं हुआ। हाँ गुलाम, हाँ तुम्हारा जिगरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं ना फिसा, तुम इसे जाने दे रहे हो, तुम इसे जाने दे रहे हो क्योंकि तुम भी यही चाहते हो मेरा बच्चा ना बचे। ऐसे नहीं है ना फिसा, तुम इसे जिंदा जाने दे रहे हो यहां से। तुम भी इसी के साथ मिले हुए हो, तुम भी इसी के साथ मिले हुए हो। मैं समझा सकता हूं गुलाम, ऐसा कुछ नहीं है गुलाम, कोई फायदा नहीं है, ये सब समझ चुकी है, ये सब समझ चुकी है गुलाम, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। तो ये सच है, सच है ये? नहीं नफीसा। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? मैं तो बस चाहता था तू खुश रहे। कैसे? मेरे बच्चे को मारकर, मेरे बच्चे को मारकर। नहीं नहीं, हमारा जिगरा जिंदा है, वो मरेगा नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। नहीं, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, मेरे बच्चे के खून से रंगे तुम दोनों के हाथ। गुलाम, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गुलाम ये बच्चा मुझे दो, गुलाम ये बच्चा मेरे हवाले कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे को इसे मत देना, ये इसे मार देगा। गुलाम मेरा विश्वास करो, बच्चे को इसे मत देना, ये इसे मार देगा। गुलाम मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। गुलाम दो मेरे बच्चे को इसे मत देना। गुलाम ये बच्चा दो, सोचो मत, दो मुझे। गुलाम मेरे बच्चे को इसे मत देना, ये इसे मार देगा। नहीं मेरे बच्चे को इसे दिया तुमने, मेरे बच्चे को इसे दिया तुमने। मैं गलत था, गुलाम और नफीसा सही थे। ये ठीक हो गया, जिगरा एक जीता जागता बच्चा है, क्योंकि क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं होता तो ये दो जिंदगियां कैसे जिंदा रहती। और गुलाम ने ठीक ही कहा था, इस दुनिया का हर सच यकीन पर खड़ा होता है, आप यकीन करके देखिए, सच अपने आप बन जाएगा, वरना सच अपने आप में कुछ नहीं होता।